कपास की 160 दिन की फसल में दो चरण ऐसे हैं जहां गुलाबी सुंडी सबसे ज्यादा नुकसान देती है। पहली अवस्था 30 से 40 दिवस। प्यूपा जब पतंगा बनता है तो वह पतंगा उड़के कपास के पत्तों में अंडे देता है। कम समय में ये सुंडी बन जाता है, फिर ये फूलों में प्रवेश करके फूलों को खराब कर देता है। गुलाबी सुंडी की दूसरी अवस्था 70 से 75 दिवस। पतंगा जब पत्तों पे अंडे देती है तो वह 5 से 7 दिवस के अंदर सुंडी बन जाती है। तो यह सुंडी टिंडे में प्रवेश करके टिंडे को खराब कर देती है। जब सुंडी टिंडे में प्रवेश करती है तो यह उसके बीजों को खा जाती है और पूरे टिंडे को खराब कर देती है। टिंडे को खराब करने के बाद गुलाबी सुंडी टिंडे से निकलती है और जमीन में प्रवेश करती है। जमीन में प्रवेश करने के बाद यह प्यूपा स्टेज में आती है और दूसरी फसल को खराब करने की तैयारी करती है। तो ये है गुलाबी सुंडी।